कितना टाइम हो गया? जी बहुत एक्साइटेड हूँ। एक तो हमारी कंपनी का है, धर्मेटिक्स का है। माधुरी मैम को बहुत टाइम बाद हम लोग स्क्रीन में देख रहे हैं ऐसे अवतार में। मैं उनके साथ एक डांस शो भी जज कर चुका हूँ, तो और सालों से उनका फ़ैन रहा हूँ, तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ। उनके लिए भी एक नया फॉर्मेट है, जो ये शोज़ के फॉर्मेट हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग है। नेटफ्लिक्स हैज़ बीन डूइंग वेरी इंटरेस्टिंग वर्क, तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ। और लेट्स सी, आज हमें कुछ एपिसोड्स देखने मिलेंगे, सो वेरी एक्साइटेड। बिल्कुल, आई थिंक बहुत सॉरी आफ्टर यू आफ्टर यू। आई थिंक एक तो बहुत जो इंटरेस्टिंग था मेरे लिए भी कि उसमें जो जैसा ट्रेलर में दिखाया है कि जो माधुरी मैम जी का कैरेक्टर है वो सडनली डिसअपियर हो जाता है, अपने फेम की बुलंदी पे एकदम गायब हो जाते हैं, और फिर जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनके उन सब शक में आ जाते हैं, कि गहराव में आ जाते हैं। तो आई थिंक वो बहुत इंटरेस्टिंग है, जो थ्रिलर एस्पेक्ट है, तो आई एम क्वाइट इंटरेस्टेड। ऑफकोर्स आज के दिन मुझे वो सब सस्पेंस नहीं पता चलेगा, जब रिलीज़ होगी तभी पता चलेगा, बट आई एम वेरी इंटरेस्टेड। और अच्छा एनसेंबल कास्ट है, बट अ पर्सन जो मुझे लगता है बहुत अंडरडॉग परफॉर्मर हैं और जो हमेशा अच्छा परफॉर्म करते हैं, वो है संजय कपूर जी। लक बाय चांस में उनकी परफॉर्मेंस बहुत इंटरेस्टिंग थी, तो आई एम क्वाइट एक्साइटेड टू सी वो कैसे परफॉर्म करने वाले। आई थिंक हम में से जितने भी लोग इस इंडस्ट्री में हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ा फेम ज़रूर चाहते हैं, बट आई थिंक बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप किस मायनों में फेम चाहते हैं। आई थिंक अगर हमें हमारे काम के कारण फेम मिले, दैट्स व्हाट वी वांट। उसके अलावा अगर हम इनफेमस या फेमस होते हैं उसमें हमें इंटरेस्ट नहीं। तो आपकी तरफ से कौन सी ऐसी फिल्म आने वाली है जो काफी फेम होने वाली है, अगर आप बता दें कि कुछ अनाउंसमेंट होने वाला है? जी मेरी तो फिल्म ऑलरेडी एक्चुअली अनाउंस हो चुकी है, हम लोग बस वेट कर रहे हैं गोविंदा नाम मेरा को रिलीज करने के लिए। हम लोग जस्ट वेट कर रहे थे कि थिएटर्स अपनी पूरी बुलंदी पे आ जाए, एंड वी आर वेरी एक्साइटेड। आई थिंक बहुत जल्द हमारा अनाउंसमेंट भी होगा, एंड आई एम एक्साइटेड। मैं बहुत बहुत चाहता हूँ कि लोग थिएटर्स में वापस आएँ और हमारी फिल्मों को एंजॉय करें। गोविंदा नाम मेरा एक ऐसी ही फिल्म है जो थिएटर के लिए बनी है, ऑडियंसेस के लिए बनी है। सो या आई थिंक कुछ महीनों के अंदर अंदर इट शुड डेफिनेटली रिलीज इन थिएटर्स। ग्रेट, थैंक यू एवरी वन, थैंक यू। फेम गेम एक्चुअली आई थिंक आई एम रियली एक्साइटेड बिकॉज मैं धर्मेटिक की आई हैव बीन हियरिंग अबाउट दिस शो फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। मिस्टर संजय कपूर इज इन इट, माधुरी दीक्षित जी इज इन इट, सो आई नो इट फ्रॉम द टाइम व्हेन द नेम वाज वेरी डिफरेंट, बट या आई एम वेरी एक्साइटेड एंड आई थिंक इट विल बी अ ग्रेट शो। I think Sanjay Kapoor sir, I haven't seen him in a long time, so that's one. And there's one young actor in it, I forgot his name, but I watched him in Meel Pathar, and he's playing one of the sons. Lakshveer Saran. I think he's a very good actor, and I'm really looking forward to his work. Thank you.